जिनके नेतृत्व में एनडीए 350 सीटें विजय हासिल की है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज स्वयं मेघ राजा भी इस विजयोत्सव में शरीक होने के लिए हमारे बीच है। दो लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का यह जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा।
इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में लोकतंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र के लिए मरना ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बलों को इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे। मैं समझता हूं उस समय महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21वीं सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों ने, जनता जनार्दन ने श्री कृष्ण के रूप में जवाब दिया है। आज श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया। और इसलिए देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इस चुनाव में मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जिनके आंख कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था, लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है। और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है
तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। और इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी एनडीए के साथी नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में जो विजयी हुए हैं, उन सभी विजेताओं को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी विजयी किसी भी दल से जीत करके आए हो, किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। चार राज्यों में भी चुनाव थे, उड़ीसा, आंध्र, सिक्किम, अरुणाचल। उन विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उन उन राज्यों की जनता ने जिन सरकारों को चुना है, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं उनसे भी सरकारों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को समर्पित है, भारत के संविधान प्रति समर्पित है और फेडरलिज्म पर समर्पित है। और इसलिए इन चीजों को, विजय प्राप्त करने वाले लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार उन राज्यों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलेगी। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, उनके परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम है, उस दल में ऐसे दिलदार लोग हैं। कोटि कोटि कार्यकर्ता सिर्फ एक ही भाव, भारत माता की जय, और कुछ नहीं। वे कार्यकर्ता, वे भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रत्येक साथी कोटि कोटि अभिनंदन का अधिकारी है, जिसने निस्वार्थ भाव से लोकतंत्र का झंडा ऊंचा रखते हुए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जी जान से
लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे लोकशाही के उत्सव में शरीक होकर के उसकी आन बान शान बढ़ाने में यशस्वी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और विशेषता यह है कि हम कभी दो भी हो गए, हम कभी दो भी हो गए, लेकिन हम कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आदर्शों को ओझल नहीं होने दिया, न रुके न थके न झुके। कभी हम दो हो गए तो भी, और आज दोबारा आ गए। दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष जी चुनाव नतीजों की कुछ हाईलाइट बता रहे थे। मैं स्वयं आज काफी व्यस्त था, उसके कारण चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी ने जो विस्तार से बताया, मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा क्या दिन भर क्या क्या हुआ है। लेकिन जो अध्यक्ष जी ने बताया ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी 20वीं सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा। 21वीं सदी है, ये नया भारत। ये चुनाव का विजय, कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है। 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया, उसके आशीर्वाद की।
ये विजय देश के उन किसानों की है कि जो पसीना बहा करके राष्ट्र के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परेशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है। ये उन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की विजय है जिनको पहली बार लेप के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेप का लेबल तो नहीं है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के लिए, असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय है। भाई बहनों, ये विजय उन मध्यम वर्ग के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पालन करता रहा, जो देश की भलाई के लिए टैक्स देता रहा, लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और न ही कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुच में देश के काम आता है क्या। 5 साल में उसने अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम आ रहा है। उस मध्यम वर्ग के मन को जो संतोष हुआ है, वो संतोष इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। और इस प्रकार से जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने ये परिवर्तन लाया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में ये चुनाव ऐसा हुआ, वरना आपने देखा होगा 30 साल तक लगातार देश में, विशेष रूप से, वैसे ये ड्रामेबाजी तो लंबे समय से चल रही है, एक ऐसा प्रिंटआउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था, और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। दूसरा, हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो। ये चुनाव ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया। ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाव उठा लीजिए, सब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे से रंगे गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देने पड़े थे। ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राजनीतिक दल 5 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया, चुनाव का एक मुद्दा नहीं।
भारत के लोकतंत्र में तीन चीजें कांस्टेंट रही है, इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीजों को तोला जाए। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी की एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी, लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। सारे समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है, अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी, दो जाति ही रहने वाली है और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और दो जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस सपने को लेकर के हमें चलना है। दोस्तों, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में, ये 2019 से 2024 ये 5 साल का कार्यकाल और इतना प्रचंड जनमत, प्रचंड मैंडेट, बहुत बड़ी घटना है जी, विश्व को अचंभित करने वाली घटना। पल भर याद कीजिए, यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा, यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा। गांधी 150 और भारत 75, ये हमारे लिए इन 5 साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें, 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था,
स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी। यह 2019 से 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है, और देशवासी भी तय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है, एक विकसित भारत बनाकर के साथ लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है, अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इसलिए दोस्तों कि इस चुनाव को हमें नम्रता से स्वीकारना है, हम सरकार तो बहुमत से बनती है और जनता ने बना भी दी है, लेकिन लोकतंत्र के संस्कार, लोकतंत्र का स्पिरिट, भारत के संविधान का स्पिरिट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन देश सर्वमत से चलता है। और इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है, हमें आगे देखना है, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, हमारे घोर विरोधी होंगे उनको भी साथ लेकर चलना है, देश हित के लिए चलना है, और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है, संविधान यही हमारा सुप्रीम है, उसी के छाया में उसी के हर शब्द के भाव को पकड़ते हुए हमें चलना है, और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी, हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उत्साह के साथ हमसे जुड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, देश ने हमें बहुत दिया है, मैं आज इस पल देशवासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने इस फकीर की झोली तो भर दी, मेरे प्यारे देशवासियों, आपने इस फकीर की झोली भर दी है,
बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी है, मैं जानता हूं आपकी आशा आकांक्षा, आपके सपने, आपके संकल्प बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी भरी भांति इस गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं देश को कहूंगा कि आपने 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत डाली। 2019 में मैं इसके पीछे की भावना को भली भांति समझता हूं, मैं भली भांति समझता हूं। जैसे अमित भाई कह रहे थे कि बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत करके आए, इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है। और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। और इसलिए मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जो दायित्व दिया है, हमारे एनडीए के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है, एनडीए के साथियों ने भी मिलकर के पूरी मेहनत की है, तब जाकर के मैं देशवासियों से आज जरूर कहना चाहूंगा। और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और तीसरी बात, मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। मेरे देशवासी, आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें, इन तीन तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना।
कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। मैं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, राज्यों के अध्यक्ष, राज्यों की टीम, पार्टी के पन्ना प्रमुख तक के लोग, कुछ लोग पन्ना प्रमुख की बड़ी मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन पन्ना प्रमुख की ताकत क्या होती है वो इस चुनाव में पता चल गया। पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय प्रमुख तक इन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को, उनके परिश्रम को, उनकी प्रतिबद्धता को एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।